एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेल्टा फिजिक्स पर। हमने रिफ्लेक्शन के 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और वो 5ों वीडियो रिफ्लेक्शन तक लिमिटेड है। इसके बाद इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने जा रहा है, रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट वीडियो है रिफ्रैक्शन का, जो है वीडियो नंबर 6। इसके बाद 4-5 वीडियो और रिफ्रैक्शन के ऊपर बनेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। लास्ट में हमें लेंस के न्यूमेरिकल्स देखने हैं। तो अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब मिरर्स के बारे में था। जब भी पीछे पॉलिश होती है तो मिरर्स की बात करते हैं, यानी वहाँ बात होती है रिफ्लेक्शन की। अब हमें रिफ्रैक्शन देखना है, जहाँ पर लेंस आ जाते हैं। तो रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में ये वीडियो के अंदर ये सब है। रिफ्रैक्शन है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है वो देखते हैं। रिफ्रैक्शन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उससे पहले मैं आपको बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है देख लिया। अगर रिफ्लेक्शन की बात करता था, जो मैंने स्टार्टिंग के 5 वीडियो में बताया, जो रिफ्लेक्शन के वीडियोज थे, उसमें जो लाइट रेज आ रही थी वो पीछे पॉलिश होने की वजह से बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर किसी एंगल पे जा रही थी, या हो सकता है सी पे आ रही, वो सब रूल्स आप जानते ही। बट रिफ्रैक्शन में है, यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट है, यहाँ पर कोई बाउंस बैक नहीं होगा, यानी लाइट ऐसे टकरा कर वापस नहीं जाएगी, यहाँ पर लाइट पास हो जाएगी, क्योंकि सरफेस जो होगा, जो मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, उसकी वजह से लाइट यहाँ सर पास होगी, लेकिन किसी एंगल पर बैंड होगी, या तो ऐसे बैंड हो सकती है या ऐसे बैंड हो सकती है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे एंगल पर बैंड होती है। लेकिन कैसे बैंड होगी वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। अब यहाँ पर इस चैप्टर में मीडियम को मीडिया भी कहा जाएगा, कभी कभी अगर मीडिया लिखा है इसका भी मतलब मीडियम ही होता है। अब मीडियम का मतलब देखिए क्या है। अभी आपने डेली लाइफ में आपके ये देखा होगा, अगर आप किसी ग्लास को ले लें जो ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, और उसके अंदर वाटर रखें और उसके ऊपर एक पेंसिल को रख दें या एक स्टिक को रख दें, तो ये कुछ आपको इस तरह से टूटी हुई दिखती है या बैंड दिखती है। उसका भी रीज़न क्या है, तो रिफ्रैक्शन है। ऐसा बहुत सारे इफेक्ट्स मैं आपको बताऊँगा जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मीडिया और मीडियम का मतलब है कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए 2 मीडियम कंपलसरी होने चाहिए। मिनिमम 2 मीडियम होंगे तभी आप रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को देख पाएंगे। अब यहाँ पर 2 मीडियम थे, देखिए ये ऊपर की तरफ वाटर नहीं था, यानी ये पूरा जो मीडियम था वो एयर का है, और यहाँ नीचे की तरफ वाटर है, यानी ये है वाटर का मीडियम। यानी पहले लाइट एयर में ट्रैवल कर रही थी, अब लाइट वाटर में ट्रैवल कर रही है, यानी कि यहाँ पर मीडियम नंबर 1 और ये हो गए मीडियम नंबर 2। और फिर डेफिनेशन आप इजीली समझ ही सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ग्रोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो ये ऐसा हुआ। बट अगर आप देखेंगे कि कभी कभी वाटर से एयर में भी जा सकती है लाइट, कभी कभी एयर से वाटर में जा सकती है, कभी कभी हो सकता है 90 डिग्री पर किसी चीज़ को हम रखें तब क्या होता है, तो अलग अलग रिफ्रैक्शन के केसेस होते हैं, वो हमें देखना है। और ये वर्ड अभी भी आपको याद रखना है, ऑब्लिकली, यानी कि जो लाइट है वो किसी एंगल पे टेढ़ी होके आ रही हो, ऐसे स्ट्रेट आएगी तो भी नहीं होगा और ऐसे जाएगी तो भी नहीं होगा, यानी किसी एंगल पे आना है तभी रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को देख पाएंगे। तो हम जो 4-5 केसेस हैं रिफ्रैक्शन के वो देखते हैं। रिफ्रैक्शन के केसेस को समझने से पहले हमें मीडियम के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, मीडियम में रेयर मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम क्या है। तो देखिए, रेयर और डेंसर मीडियम में क्यों कंपैरिजन करना पड़ता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन के लिए मिनिमम 2 मीडियम होने चाहिए, यानी कोई भी एक मीडियम रेयर होगा और एक मीडियम डेंसर होगा, दोनों मीडियम अलग अलग होंगे तभी जो लाइट है वो बैंड होके उसमें से पास हो पाएगी। तो देखिए, रेयर मीडियम उसको कहते हैं जिसकी डेंसिटी होती है लो, और डेंसर मीडियम जिसको कहते हैं उसकी डेंसिटी होती है हाई। अब रेयर और डेंसर मीडियम फिक्स डिसाइड नहीं हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि वाटर जो है वो डेंसर है या वाटर जो है वो रेयर मीडियम है, ये चलता है कंपैरिजन के ऊपर। अगर मैं कंपेयर करूँ वाटर और एयर का, तो जो वाटर है वो हाई डेंसिटी वाला है। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो देखिए डायमंड के स्ट्रक्चर में काफ़ी क्लोज एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं। अगर मैं ग्लास की बात करूँ तो थोड़ा सा दूर दूर हो सकते हैं, वाटर की बात करूँ थोड़ा और दूर दूर होंगे, एयर की बात करूँ तो और अलग, और वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं, ठीक है। तो देखिए, लाइट जो है वो इन 5ों मीडियम से ट्रैवल करती है। अर्थ के बाहर जब होती है वैक्यूम में ट्रैवल करती है, अंदर आती है तो एयर में ट्रैवल करती है, फिर अगर कहीं वाटर रखा होगा वाटर में से ट्रैवल करेगी, ग्लास से कर सकती है, डायमंड से कर सकती है। अब हमें कंपेयर करना है कौन किसके रिस्पेक्ट में डेंसर है या रेयर है।
तो सबसे हाई डेंसिटी किसकी है? डायमंड की, फिर ग्लास की, फिर वाटर की, फिर एयर की, फिर वैक्यूम की, ऐसे बहुत सारे मीडियम हैं। पर आपको इस चैप्टर में ये पांच मीडियम बहुत खास याद रखने हैं। तो सबसे हाई डेंसिटी अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन करें, इन दोनों के कंपैरिजन करने पर जो डायमंड है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा और जो ग्लास है वो रेयर मीडियम कहलाएगा। लेकिन जब हम ग्लास और वाटर का कंपैरिजन करेंगे तो ग्लास बन जाएगा डेंसर और वाटर बन जाएगा रेयर। फिर अगर वाटर और एयर का करें तो वाटर जो है वो डेंसर है और एयर बन जाएगा रेयर। इस तरह से आपको कंपैरिजन करके डिसाइड करना है, ये नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर मीडियम को कहेंगे कि वो डेंसर है या रेयर है। कंपैरिजन करना है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मान लीजिए अगर हम नॉर्मल कोई कंपैरिजन करें, जैसे कोई सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन करते हैं, तो हमेशा सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, यानी कि सॉलिड डेंसर मीडियम कहलाएगा और लिक्विड रेयर मीडियम कहलाएगा। तो इस तरीके से डेंसर और रेयर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम इसके चारों केसेस देखते हैं। रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो मीडियम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। फर्स्ट है एयर और सेकेंड है ग्लास। अब आपको मैंने जैसे बताया था, एयर हो जाएगा रेयर मीडियम और ग्लास कहलाएगा डेंसर मीडियम। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक मीडियम को एयर लिया है, सेकेंड उसके नीचे ग्लास को रखा है। अब कहीं से मान लीजिए लाइट आ रही है, लाइट ट्रैवल करके ऐसे आ सकती है, तो लाइट यहाँ पर आएगी तो इस लाइट रे को कहेंगे हम इंसिडेंट रे। ये हो गई इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे कहीं पे भी टकराएगी, कहीं पे भी आएगी, तो उसकी जगह पर नॉर्मल बनता है, यानी यहाँ पर एक नॉर्मल बनेगा और ये किसी एंगल पे आ रही होगी, हम कहेंगे थीटा आई। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, लाइट पहले एयर के मीडियम थी, यानी एयर जो है वो रेयर मीडियम है, उसके बाद डेंसर मीडियम में जा रहा है, यानी कि एयर मीडियम से जो रेयर मीडियम था उससे डेंसर मीडियम की ओर। तो लाइट को रियल में ऐसे जाना चाहिए था, मैं डॉटेड बता रहा हूँ क्योंकि ये एक वर्चुअल रे है जो हमें माननी है, बट लाइट रियल में एयर से डेंस ग्लास में जाने की वजह से लाइट थोड़ी सी बैंड होके इस तरफ मुड़ जाएगी, यानी लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। उसका रीज़न क्यों है, अब देखिए पहले मीडियम कौन सा था, रेयर था, और अब मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर हो गया, तो बैंडिंग होनी थी, तो बैंडिंग किस तरफ हुई, नॉर्मल की तरफ, यानी ये हुआ टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी आपको याद रखना है टूवर्ड्स द नॉर्मल कब होगा, जब हम जाएंगे रेयर टू डेंसर में, यानी रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाने से जो लाइट रे होती है स्ट्रेट जाने की वजह टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इस तरफ बैंड होती है, यानी एंगल देखिए पहले ज्यादा होगा, अब एंगल जो थीटा यहां बनेगा वो एंगल कम होगा। अब हम ग्लास मान लीजिए लाइट रे यहां होगी, आप ग्लास से लाइट रे पास करवा रहे हैं और ग्लास से लाइट रे ऐसे गई और अब नॉर्मल यहां कहलाएगा। अब लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, बट यहाँ पर मीडियम कौन सा था, ऊपर डेंसर था और नीचे मीडियम है रेयर, तो डेंसर और रेयर मीडियम से, अब देखिए यहाँ पर डेंसर से रेयर की तरफ जाने की बजले ये जो लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, यानी लाइट थोड़ी सी और बैंड हो जाएगी। यहाँ पर एंगल देखिए थीटा आई थोड़ा कम था, यहाँ थीटा आर जो है वो और बढ़ गया। और दूसरी बात ये जो ये रे है यहाँ पर, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये देखिए रे बैंडिंग हो गई, बैंड हुई, उसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर ये ग्लास से जो ट्रैवल कही इसको हमने इंसिडेंट मानेंगे, तो ये जो रे बैंड हुई उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हुई है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अवे से दूर गई है नॉर्मल से, और ये क्यों हुआ, क्योंकि मीडियम था डेंसर टू रेयर। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में जाता है, कोई भी ऊपर रेयर मीडियम होगा नीचे डेंसर मीडियम होगा, लाइट पहले रेयर से डेंसर में गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगी, उसके बाद अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी, एंगल को थोड़ा और बड़ा कर देगी। और अब हम लास्ट केस लेते हैं जिसमें लाइट ऑब्लिकली नहीं आती, स्ट्रेट आती है। अगर लाइट ऐसे आएगी तो किसी तरफ बैंडिंग नहीं होगा, लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी, यानी कि अगर 90 डिग्री यहाँ बनता है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन की स्टार्टिंग में लिखा था ऑब्लिकली, क्योंकि लाइट को स्ट्रेट पास नहीं होना है, लाइट को टेढ़ा आना है। यहाँ पर देखिए लाइट किसी एंगल पे आ रही थी, इसीलिए रिफ्रैक्शन के केस में हमेशा ऑब्लिकली लाइट को यूज़ किया जाता है। अब हम लास्ट केस देखते हैं जिसमें एक डेफिनेशन आपको बताई होगी टीचर्स ने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। उसमें तीन मीडियम यूज़ करने हैं, पहले एयर रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू अगेन रेयर।
मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर लूं। ये हमने ग्लास ले लिया, एक ग्लास स्लैब है और ऊपर है एयर और नीचे भी है एयर। तो अब यहाँ पर तीन मीडियम है हमारे पास, एयर, ग्लास और अगेन एयर, यानी मीडियम वन, मीडियम टू और मीडियम थ्री अगेन तीन तीन बार पास होगी। तो आपको पता ही है एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास है डेंसर मीडियम। अब हम लाइट को तीनों मीडियम से ट्रैवल कराएंगे। हो सकता हो मैंने ग्लास को ऐसे पकड़ रखा हो और फिर लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है वो देखना है। तो इस केस को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब यहाँ पर मान लीजिए लाइट रे ऐसे आती, फर्स्ट केस हो गया इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब लाइट ऐसे आए तो लाइट को स्ट्रेट कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, बट इसके साथ बीच में ऐसे अच्छे अच्छे हादसे होंगे, वो आप देखिए अब क्या क्या होता है इसके साथ। अब फर्स्ट यहाँ पर लाइट ऐसे जाएगी तो यहाँ पर बीच में है नॉर्मल, नॉर्मल आपको पता ही था, नॉर्मल जहाँ पे भी वहाँ से बैंड होने वाली उसको हम नॉर्मल कह देंगे। और ये हो जाएगा थीटा आई, थीटा आई इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है। अब देखिए ये पहला मीडियम रेयर मीडियम है और रेयर से डेंसर मीडियम के जा रही है। तो मैंने आपको जो फर्स्ट केस बताया था जिसमें रेयर टू डेंसर में होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जो ओरिजिनल रे है वो ऐसे थोड़ी सी बैंड होकर ऐसे जाएगी, तो यहाँ कुछ एंगल बनेगा थीटा आर। अब देखिए यहाँ पर वापस अब एक रे हो गई जो डेंसर मीडियम के अंदर अवेलेबल है, तो एक रे वापस अब यहाँ पर टकरा के डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रही है, यानी ये मीडियम ऊपर है डेंसर और नीचे की तरफ है रेयर मीडियम, यानी अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाने से लाइट रे है वो डेंसर से रेयर में अवे जाती है, यानी कि ये थोड़ी सी अगर इस तरफ जाने वाली होगी उसकी जगह थोड़ी ऐसे जाएगी। अब देखिए हुआ क्या, इस रे को कहा इंसिडेंट रे और जो बैंड हुई उसको हम कहेंगे रिफ्रेक्टेड रे, ये हो गई रिफ्रेक्टेड रे। और ये जो लास्ट रे निकलती है दोनों मीडियम से पास करके इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। अब देखिए रियल में इसको जाना कहाँ था, इस पाथ से जाना था ऐसे, बट रेयर से डेंसर होने की वजह से ये टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकी, उसके बाद वापस डेंसर से रेयर होने की वजह से अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। यहाँ पे जो एंगल बना उसको कहेंगे थीटा आई, क्योंकि इसको इमर्जेंट एंगल कहते हैं या इमर्जेंट रे कहते हैं। अब एक चीज़ आप नोटिस करिए, फर्स्ट रे जो थी वो यहाँ जानी चाहिए थी, ये जो इंसिडेंट रे थी ये हमने वर्चुअल ड्रॉ की है क्योंकि ये जाती नहीं है। उसके बाद इमर्जेंट रे यहाँ जो ओरिजिनल रे है वो इस तरफ आ गई, तो इन दोनों, ये दोनों रे होती हैं पैरेलल, ये दोनों रे आप देख सकते हैं पैरेलल है। अब इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस आया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे अगर आप मेजर करेंगे तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये वर्ड आपको टीचर्स ने बताया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके बीच में, इंसिडेंट रे जो ओरिजिनल जाने वाली थी और जो लास्ट में गई है इमर्जेंट रे, उन दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस है, यहाँ पर पैरेलल डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस को हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। वापस डेफिनेशन बोल देता हूँ, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये तो चार पाँच तरह के केसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे खास है। इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी डेली लाइफ में आपने बहुत सारे देखे होंगे, जैसे कि जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं, तारे रात को आपको चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स आपको 11th चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद अगर आप देखें पेंसिल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको स्टिक वाला जो बताया था, ट्रांसपेरेंट ग्लास में जो पेंसिल आपको बैंड या मुड़ी हुई टूटी हुई दिखती है वो भी एक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद आप वाटर के अंदर किसी चीज़ को रखें जो है ट्रांसपेरेंट हो, आप देखेंगे वो थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, लेटर्स थोड़े बड़े दिखाई देते हैं उसके ऊपर पानी डालने से। उसके बाद देखेंगे तो जो डेप्थ होती है किसी भी सरफेस की, वाटर के सरफेस की, तो डेप्थ थोड़ी हमें ऊपर दिखाई देती है, वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से है। तो ये सारे केसेस रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आप डेली लाइफ में फील करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन में यही सब एग्जाम्पल थे, बट मेन रिफ्रैक्शन होता किस वजह से, कैसे हम इसको समझेंगे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो पेंसिल स्टिक वाला एग्जाम्पल था वो हमें क्यों बैंड दिखाई देती है, वो एक एग्जाम्पल आप देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ दो मीडियम है हमारे पास, एक एयर है और एक वाटर है। वाटर के मीडियम में हमने ये पेंसिल जो आधी है एयर के मीडियम में है और नीचे है वाटर का मीडियम। अब मैं यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो पेंसिल मैंने आपको पता ही है मुझे टूटी हुई थोड़ी सी ऊपर दिखाई देगी, उसका रीज़न देखिए। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता हूँ इसको, ये आइज बना देते हैं अच्छी सी, हाँ ये बड़ी आइज है, दिखने में आइज नहीं लग रही है पर है, एक ही है।
अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं और दो रे है मेरे पास यहां पर। हम दो रे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज्यादातर दो रे लेने से परफेक्ट एक डायग्राम अच्छे से बनता है और आपको क्लियरली समझ में आता है। आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं, पर आपको पता होगा जब हमने इमेज ड्रॉ की थी तब भी दो ही ली थी। अब देखिए यहाँ पर ये मीडियम एयर का मीडियम रेयर मीडियम था, अब ये मीडियम है ऊपर रेयर और नीचे है डेंसर मीडियम। अब आपको पता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने से पहले हमने भी केस को समझा था, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाने की वजह से ये जो लाइट है वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी इस तरफ झुक जाएगी, और ये भी इस तरफ झुक के कुछ हमें ये देखिए ये झुकने इस तरफ जाने वाली थी लेकिन इसकी जगह ये थोड़ी सी झुक गई और ये भी झुक गई और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये पेंसिल यहाँ पर थी। तो रियल में केस ये हुआ था, बट हमारा जो माइंड है वो माइंड कभी भी रिफ्रैक्शन को समझ नहीं पाया। आज तक हमारे माइंड ने कभी रिफ्रैक्शन के केस को समझा ही नहीं, हमने लाइट को हमेशा माना है स्ट्रेट ट्रैवल करने वाला, यानी हमारा माइंड क्या सोचता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, जो लाइट है वो सीधी चलेगी। तो देखिए हम मानेंगे कि जो लाइट है वो सीधी जाके यहाँ पर आई होगी, यहाँ पर ये दोनों मिली होगी और वो जो पेंसिल है मैं कुछ इस तरह यहाँ दिखाई देगी। तो देखिए रियल कंडीशन ये थी कि लाइट हुई बैंड, बैंड होने की वजह से पेंसिल यहाँ दिखनी चाहिए थी, बट हमारे माइंड ने लाइट को क्या माना, स्ट्रेट ट्रैवल करने वाला माना। तो जैसे हमारी आईज से रेज निकली थी वैसे ही रेज पास होकर कहाँ पे मीट हो गई, यहाँ पर। तो जहाँ पर रिफ्लेक्शन का ये दोनों रेज मीट हुई वहाँ पर बनेगा जो इमेज है वो वहाँ बनेगी, यानी कि जो इमेज पेंसिल हमें यहाँ ऐसी थी उसकी जगह यहाँ दिखाई देगी। यही सब रीज़न है रिफ्रैक्शन का। आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में 11 चैप्टर में और अच्छे समझ में आएगा जब हम उसमें स्कैटरिंग देखेंगे, वो सब रिफ्रैक्शन को समझेंगे, बट ये एक एग्जांपल है जो आपको समझना है, हमेशा याद रखना है। आगे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो थे वैसे ही हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो है। फर्स्ट तो सेम जैसा रिफ्रैक्शन का था, रिफ्लेक्शन का था, वैसे ही रिफ्रैक्शन का भी है। द इंसिडेंट, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सब एक ही प्लेन में होंगे। ये आपको रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के लॉज में भी सेम था, बस वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है। बट जो सेकेंड लॉ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, स्नेल्स लॉ, इस सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, यानी कि ये जो रेशियो आएगा, अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसको स्नेल्स लॉ एक स्नेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था। अब रिफ्रैक्शन के लॉज आए तो आपको ये दोनों लिखने हैं, बट अगर स्नेल्स लॉ आए तो आपको यही लिखना है। अब इसको और अच्छे से समझना है क्योंकि स्नेल्स लॉ से ही हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर एक मीडियम है जो है मान लीजिए एयर का मीडियम है, नीचे ग्लास है। अब एयर और ग्लास के मीडियम से क्या होगा कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आएगी और मीडियम डेंसर होने की वजह से वो टूवर्ड्स नॉर्मल झुकेगी। अब यहाँ पर कुछ एंगल होगा 50, 60 जो भी होगा, और वो एंगल अब धीरे से कम हो जाएगा, यानी कि 50 से हो सकता है 40 हो जाए, 30 हो जाए, डिपेंड करता है उस कांस्टेंट के ऊपर। अब देखिए तो वो ही कह रहा है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि उस एंगल को हम मानते हैं थीटा आई, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल होगा उसको मान लेते हैं थीटा आई। तो साइन थीटा आई और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा आर, इन दोनों का रेशियो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर वो होगा कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को कहते हैं एन, या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमें और डीपली समझना है वो क्या है, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी एक फिक्स कॉन्स्टेंट वैल्यू ही आएगी कोई भी दो मीडियम अगर फिक्स होंगे तो। आगे हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने जो स्नेल्स लॉ देखा उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और स्नेल्स लॉ आपको पता ही है साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एन, इसी को कहते हैं, इसी इज इक्वल टू कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें पूछा है बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर, एक मीडियम एयर है, टू अ सब्सटेंस एक्स, कोई एक सब्सटेंस हो सकता है, ग्लास हो, वाटर हो, डिपेंड करता है क्या होगा। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि थीटा आई हमें दे रखा है 37, एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 34, थीटा आर है 24, और फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और हमें साइन 37 और साइन 24 दोनों की वैल्यू भी दे रखी है, क्योंकि ये वैल्यू शायद आपको ना पता हो, 0.60 और 0.40। अब हमें कुछ नहीं करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, तो साइन थीटा आई की वैल्यू हो सकता है 0.60
और यहाँ 0.40, तो ये हो गया 6/4, यानी हो गया 3/2, तो 1.5 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा और थीटा का कोई यूनिट हो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। हो सकता है आपको साइन 60 और 45 की दे, और साइन 60 और 45 की वैल्यू आपको पता है इसलिए वो आपको हिंट में ना दें। यहाँ 37/24 था इसलिए हिंट दे रखी थी। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल्स हैं साइन के ऊपर सॉल्व हो सकते हैं। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, इन सब के अंदर क्या क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और क्या टाइप्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, वो हमें इसमें देखना है। तो देखिए स्पीड ऑफ लाइट का पहले क्या कनेक्शन है वो समझते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए स्पीड ऑफ लाइट मैंने आपको वैक्यूम में दे रखी है 2.9979, सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट वैक्यूम में, सबसे ज़्यादा ट्रैवल फास्ट करती है। उसके बाद एयर में जो हमारे आसपास हमें दिख रहा है वो है 2.9970, यानी 0.0009 मीटर पर सेकेंड का ही डिफरेंस है, और पीछे 10^8 है, यानी कि पावर सबकी सेम। फिर वाटर में आता है 2.25, यानी वाटर में थोड़ी और स्पीड कम हो जाती है, और ग्लास में 2.10^8, यानी ग्लास में थोड़ी और कम होती है, डायमंड में इससे भी ज़्यादा कम होती है। तो इससे पता क्या चल रहा है, जैसे जैसे हम डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ाने से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हो रही है कम। तो डेंसिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो मैं आपको एक रिलेशन बता दूँ, डेंसिटी बढ़ी, स्पीड ऑफ लाइट हो गई कम, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट कम होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। ये तीनों आपको फैक्टर याद रखने हैं। SOL यानी कि मैं कह रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट, SOL का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। अब डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। क्यों कम होती है, देखिए अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो आपकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। वैसे ही ज़्यादा डेंसिटी वाला कोई भी सब्सटेंस होगा तो ज़्यादा डेंसिटी वाले सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे। एक तरह से क्लोज मॉलिक्यूल से लाइट को पास करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट जो होती है धीरे धीरे डेंसिटी के बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। अब देखिए यहाँ पर वैक्यूम था, एयर था, वाटर है और ग्लास है, इन चारों मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कंटिन्यूस धीरे धीरे कम हुई है, क्योंकि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी डेंसिटी बढ़ रही है। अब डेंसिटी का बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्शन था, डेंसिटी बढ़ी स्पीड ऑफ लाइट कम हुई। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो टाइप्स हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, एक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते तो आपके पास मिनिमम दो मीडियम होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए ही मिनिमम दो मीडियम होने चाहिए। जब आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तब आप दो मीडियम में से दोनों मीडियम को एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम मानते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एक मीडियम कंपलसरी एयर या वैक्यूम मानना है। देखिए मैंने एयर और वैक्यूम इसलिए लिया है क्योंकि एयर और वैक्यूम में आप देख सकते हैं स्पीड का ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर 0.9 है और यहाँ पर 7 है, इसको अप्रॉक्स में 3 मानते हैं, 3×10^8, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिए अभी के लिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो देखिए मीडियम 2 की अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करनी हो, सेकेंड मीडियम की, मान लीजिए यहाँ पर दो मीडियम है, मैंने आपको बताया रिलेटिव फाइंड करना हो तो उसमें आपको एयर और वैक्यूम नहीं लेना, उस मीडियम को छोड़कर कोई भी मीडियम ले लीजिए, एक ले लीजिए ग्लास और एक ले लीजिए वाटर। अब देखिए ग्लास और वाटर का फाइंड करना हो तो अगर मान लीजिए आपको ये फर्स्ट मीडियम मानते हैं और ये सेकेंड मीडियम, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने ही है वाटर की तो आप लिखेंगे फर्स्ट मीडियम ये है तो N21, यानी कि N का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम यानी कि वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो उसमें आपको फॉर्मूला ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो आपको जिसकी फाइंड करनी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी सेकंड की फाइंड करनी है तो उसको आपको नीचे लिखना है अपॉन में, और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखना है। तो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मीडियम 1 यानी कि कौन सा है ग्लास का,
और मीडियम 2 है वाटर का, तो ग्लास की स्पीड आप पुट करिए 2 × 10⁸ और वाटर की पुट करिए। आपको देखिए स्पीड किसी की याद नहीं करनी, लर्न करने की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जाम में आएगी, लेकिन एयर की याद रखिए, वैक्यूम में याद रखिए, उनकी अप्रॉक्स होती है 3 × 10⁸। तो इस तरह से फाइंड करना है, जिस मीडियम की फाइंड करनी है उसको आपको नीचे रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है उसको रखना है ऊपर। यहाँ हम सेकेंड की फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट की रिस्पेक्ट में। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो इसमें हमेशा हम लोग एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही किसी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। आपकी बुक में जो टेबल बना रखा होगा जिसमें एयर से स्टार्ट होता है और डायमंड तक एक छोटा सा टेबल है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखी हुई है 1.003 से स्टार्ट होकर बहुत देर तक जाती है डायमंड तक, वो सारी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड की हुई हैं, एब्सोल्यूट हैं, वो सब एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड की हुई हैं। तो एयर के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो हम किसी भी मीडियम की फाइंड करना चाहते हैं तो वो मीडियम को हम लोग हमेशा किस में रखेंगे, अपॉन में, और उसके ऊपर क्या आएगा, हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर को हमने लिख दिया है ऊपर। तो ये एयर की स्पीड को हम लाइट की स्पीड को कहते हैं सी, सी को सी का होता है अप्रॉक्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और V यानी कि जिस मीडियम की आप फाइंड करना चाहते हैं उसको आपको अपॉन में लिखना है। अब देखिए ये जो स्पीड होगी हमेशा एयर से कम ही होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो एब्सोल्यूट होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आने वाला है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने हैं। डेंसिटी ज़्यादा यानी हायर डेंसर मीडियम यानी स्पीड ऑफ लाइट उसमें हो जाएगी कम, स्पीड ऑफ लाइट कम हुई इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वाटर में और डायमंड में, डायमंड ज़्यादा हार्ड है, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किस में होगी, डायमंड में होगी, और वाटर में होगी कम क्योंकि डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं डायमंड की डेंसिटी हायर, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी ज़्यादा। तो इस तरह से है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखिए आप में टेबल भी होगा, तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया था डेंसिटी बढ़ रही है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, और वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रही है, यानी डेंसिटी बढ़ी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ी। अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर कोई मीडियम है ग्लास का और यहाँ मीडियम है एयर का, तो ये ऐसे आएगी और टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे थोड़ी सी बैंड होगी, तो यहाँ पर बेंडिंग बढ़ने की वजह से जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा, डेंसिटी ज़्यादा, बेंडिंग ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स भी ज़्यादा। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा रहा है लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास। अब एयर टू ग्लास, तो एक मीडियम एयर आ गया, एयर वाला मीडियम किस कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है, एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख लीजिए एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी यानी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 1.50, ये 1.50 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी 1.50। अब हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर है एयर का, तो ग्लास का फाइंड करने के लिए एयर का लिख दीजिए, एयर में होता है 3 × 10⁸, ये अप्रॉक्स है, और ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट हम नीचे लिख देते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमने वी माना है, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ये हो गया 2, तो वी आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास भी यही होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से बेसिक जो न्यूमेरिकल है आप सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है आपको कभी दोनों स्पीड ऑफ लाइट दे रखी हो और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना हो, कभी हो सकता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना हो। तो अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, अब यहाँ पर दो मीडियम है ग्लास और वाटर और दोनों ही मीडियम एयर से अलग है, तो जिन दो मीडियम में एयर नहीं आता वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन होता है, तो वो दे रखा है 1.125। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और वो है, वो हमें फाइंड करना है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, ग्लास का दे रखा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप इसको मीडियम टू माने, इसको मीडियम वन माने, तो लिख सकते हैं एन टू अपॉन वन या ग्लास और वाटर। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिया हुआ है, ग्लास का दिया रखा है, तो ग्लास को नीचे रखेंगे और वाटर को ऊपर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये देखिए, ये मीडियम टू है, ये है मीडियम वन। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना रहता है, जिसका दिया रहता है, वो अपॉन में रहता है, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ऊपर। वाटर के रिस्पेक्ट में था तो वाटर ऊपर है, और ये ग्लास का फाइंड कर रहे हैं तो ग्लास नीचे है। तो एन टू वन यानी ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.125। यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें दे रखा है, नहीं हमें फाइंड करना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है 2 × 10⁸। तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.125 × 2 × 10⁸। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का आपका जो वाटर की स्पीड है वही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन है, और एब्सोल्यूट के मैंने आपको बता ही दिए। लास्ट जो ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतना ही ज़्यादा बेंडिंग, उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम होगी और उतना ही ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यानी तीन चीज़ें बढ़ने से एक चीज़ घटेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा बेंडिंग बढ़ेगा और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगा। आप ये डेटा देख के भी पता लगा सकते हैं। तो ये बेसिक से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं एग्जाम्स में। कोई न्यूमेरिकल में डाउट हो तो आप पूछिए, बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, वो भी आपको समझने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।